नमस्कार, स्वागत है आपका। देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। हरिद्वार से सबसे पहले खबर आपको बताया, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई खबर है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दिया है। 18 महीने से लोक सेवा आयोग के पद पर नियुक्त थे। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत चुनौतियों के बीच आयोग की व्यवस्था को पटरी पर लाए पेपर लीक घटनाओं के बीच पारदर्शी ढंग से कराई 30 परीक्षाएं, पहली बार इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित की। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे का जो कारण है वो व्यक्तिगत बताया जा रहा है। सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, खबर मिल रही है डॉक्टर राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, कोई अभी शुरुआती वजह, कोई जानकारी सामने आ रही है क्या? देखिए, राकेश कुमार उत्तराखंड के ऐसे नौकरशाहों में रहे हैं जिनकी ईमानदार छवि हमेशा रही है और जो अपनी इसी छवि के लिए जाने जाते रहे। केंद्र में भी प्रतिनियुक्ति में रहे तो तब भी इसी छवि के दम पर ही केंद्र में वो पहुंचे थे। उत्तराखंड में ऐसी चुनौतीपूर्ण समय में जब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर आरोप लगे थे, कई तरह के मामले चले थे, उस बीच में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी भर्ती परीक्षाओं को कराने की, तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इनका संचालन किया। जहां तक उनके पद से इस्तीफा देने की बात है तो ये व्यक्तिगत कारण बताए जा रहे हैं। हमने काफी पता करने की कोशिश की है तो ये पता चला है कि पारिवारिक कारणों के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसमें किसी तरह की कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी काम से नाराज थे या उनको कोई सपोर्ट सरकार की ओर से नहीं मिल रहा था, पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा था, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है सुरेंद्र, आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।